हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिल्ली उत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रेनू त्यागी। मैं मौजूद हूं प्रीतमपुरा के दिल्ली हाट में, जहां लगा हुआ है 3 दिन तक दिवाली का मेला। इस दिवाली के मेले में हम करेंगे जमकर शॉपिंग, मस्ती, धमाल और लेंगे दिल्ली के जायकों का मजा। तो आइए, देर किस बात की, करते हैं अपने सफर की शुरुआत। मेरे दिल्ली उत्सव में हरियाणा से भी कुछ कलाकार आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ जी, पहली बार आए हैं या हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है। हाँ। कौन कौन सी आप धुन बजाते हैं? काफी धुन बजाते हैं, होती है या आपका जो इसमें बजाते हैं। हाँ, और हरियाणा भी बजाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम गांव पंचारी, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा। कहाँ से आए हैं? अच्छा, हर साल आते हैं आप यहाँ पे? कैसे जी? हर साल आते हैं आप यहाँ पे? हर साल आते हैं, हर वर्ष आते हैं। क्या लोगों को कैसा लगता है आपके यहाँ पे, जो लोग आते हैं उत्सव में उनको कैसा फील होता है यहाँ पे? कैसे जी? जो लोग यहाँ आते हैं उन लोगों को कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील करते हैं लोग। आपके धुनों पे नाचते हैं लोग? जी जी, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, बजाते भी। आइए उन लोगों से बातें करते हैं जो इनके धुनों पे डांस कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर हमें, और जो भी कुछ है बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है हमें। नवंबर को भी मेरी दिल्ली उत्सव लगा रहेगा, तो आप भी आइए यहाँ पे और मस्ती से सराबोर हो जाइए। मेरी दिल्ली उत्सव में काफी सारे यंगस्टर्स का ग्रुप भी यहाँ आया हुआ है, जो यहाँ पे काफी आप देख सकते हैं कि कितने मजे कर रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ सब लोग आए हुए हैं। तो आइए हम मेले में मौजूद लोगों से बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है ये मेला। मैम, हेलो, हेलो, बताइए कैसा लगा आपको दिवाली मेला? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी रौनक है यहाँ पर, गाने वाने चल रहे हैं, तो माहौल बिल्कुल एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है। सब परचेज कर रहे हैं, काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, जिनको हम ढूंढते हैं बाजार में, वो बाहर नहीं मिलती हैं, लेकिन हमें यहाँ मिल रही है। क्या-क्या खरीदा आपने मेले में? अभी हमने कुछ दिवाली के लिए कुछ गिफ्ट आइटम्स लिए हैं, पूजा का एक थाली लिया है, और अभी देख रहे हैं अभी 2 दिन में और। और मैम आपने? तो देखा आपने, ये मेला लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो आप भी इस मेले में आइए, 2 दिन और है ये मेला, और यहाँ पे आके अपनी दिवाली की शॉपिंग कीजिए। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपको कैसा लगा मैम दिवाली मेला? दिवाली मेला मुझे लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा लगा, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, लेकिन अभी इट्स मच बेटर देन लास्ट टाइम। मतलब मुझे नई नई चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई एम गोइंग टू शॉप मोर एंड मोर। यहाँ पे इवनिंग नाइट्स भी होंगी, उनका आप मज़ा लेंगे? वेल, मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन
एक्चुअली मुझे बहुत दूर जाना है तो शायद मैं ना ले पाऊँ, लेकिन मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पर रुक के इवनिंग नाइट्स देखने का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ ना फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आपने क्या क्या खरीदा? अभी तक तो कुछ नहीं, वी जस्ट केम, अभी मैं देख रही हूँ और मैं जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ मैं लेकर जरूर जाऊंगी। ओके, आपने देखा कि युवाओं को भी काफी खासा आकर्षित कर रहा है ये मेला। हमारे साथ है मेरी दिल्ली उत्सव के ऑर्गेनाइजर और NNS मीडिया के डायरेक्टर अक्षय गुप्ता जी, राइट? ओके, अक्षय गुप्ता जी, आप हर साल ये आयोजन करते हैं मेरी दिल्ली उत्सव का, इस बार क्या खास है इस उत्सव में? इस बार हमारे 250 से ऊपर स्टॉल्स हैं यहाँ पे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज काफ़ी सारा पार्ट ले रही हैं इस स्टेज प्रोग्राम में। उसके अलावा जो आजकल जैसे पोल्यूशन का लेवल बहुत फैला हुआ है और बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार सेफ और पॉल्यूशन फ्री दिवाली का एक मैसेज यहाँ से हम दे रहे हैं, ये इस बार की खासियत है मेरी दिल्ली उत्सव की। क्या खासियत और है इस उत्सव की, क्योंकि मेरे ख्याल से अब 13वीं बार ऐसा है कि इस उत्सव को मनाया जा रहा है, तो दिल्ली वासियों से और आप क्या उम्मीद करते हैं और कैसी भीड़भाड़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ देखने को हमें मिलती है और यहाँ पे पब्लिक के लिए पूरा एंटरटेनमेंट है, शॉपिंग के स्टॉल्स हैं, दिवाली की शॉपिंग होगी, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, उसके अलावा खाने पीने के लिए बहुत अच्छा पुरानी दिल्ली के खोमचे वगैरह का अरेंजमेंट्स है जिनको आके वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ग्रुप के NNS मीडिया ग्रुप 1950 से इस इंडस्ट्री में है, मीडिया इंडस्ट्री में हमारे अपने पब्लिकेशंस हैं, प्रिंट मीडिया में हम बिलोंग करते हैं, 2 डेली न्यूज़पेपर्स हैं मेरी दिल्ली और व्यापार केसरी, 3 मंथली मैगजीन्स हैं बिजनेस स्टार, व्यापार केसरी और वैश्य संसार। इसके अलावा हम इवेंट्स करते हैं जैसे कि मेरी दिल्ली उत्सव हो गया, दिल्ली का सबसे बड़ा दिवाली मेला, एक फूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो करते हैं प्रगति मैदान में, उसके अलावा ग्लोबल बिजनेस आइकन अवार्ड करते हैं और एक स्पाइसेस के ऊपर हम सह सेमिनार करते हैं और कॉन्फ्रेंस करते हैं। आने वाले टाइम में NNS मीडिया ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहेगा कि जो कि प्रिंट मीडिया में कह लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह लो या रेडियो में कह लो, उन सब में NNS मीडिया ग्रुप का एक अपना। सर इसको, सर अभी हाफ नोट है, इसको आप सर इसको एक बार उसको लगाएं, ये गांठ और लगाएं, इसको और लगाएं, इसको पूरा कर पाएंगे आप? हाँ शाबाश, बढ़िया, आ जाएगा मजा। सर अभी आपने बोला कि अभी किसी को माना नहीं आपने सर, लेकिन लग रहा है देख कर आपको कि भाई साहब ये बदले ले रहे तुमसे जो घर में बदलते हैं ना ये।